अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने आईटीआई कर रखा है, आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, एमबीए है, दोस्तों एयर इंडिया के एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी AIATSL जिसका कि नाम अब बदल गया है उसके बारे में आगे बात करूंगा, अभी ढेर सारी वैकेंसीज आ रखी हैं और फिर से ये वैकेंसीज इतनी हैं और इतने डिस्क्रिप्टिव तरीके से हैं कि मैं एक वीडियो में इनको कवर नहीं कर सकता, इसीलिए इस वैकेंसी को मैं दो वीडियो में कवर करूंगा और वीडियो के पार्ट टू में मैं जितनी भी वैकेंसीज हैं सबको एक साथ इंक्लूड कर लूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपके पास फेक कॉल आने चालू हो जाएं और वो लोग आपको बताएं कि वो आपको एयर इंडिया या फिर उसके किसी पार्ट से बोल रहे हैं और आपसे पैसों की मांग करेंगे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा इस तरह का कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप फ्रॉड से बच के रहिएगा। वीडियो को देखने के बाद या कभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो सवाल कीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे। और सबसे खास बात, चैनल इंफॉर्मेटिव है, आपको जॉब के बारे में बताता हूं, एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के बारे में। अगर ये चैनल आपके काम का है, आपके लिए यूजफुल है तो सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जिसको कि शॉर्ट में AIATSL के नाम से जाना जाता था उसके रिगार्डिंग है। ये जो वैकेंसीज हैं फिलहाल में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए साथ में आने वाले टाइम के लिए भी एक लिस्ट बनाकर रखने के लिए आज के इस वीडियो का जो एवरेज एज रेंज है वो है 18 to 35 और इसका जो कैलकुलेशन होगा 1 February 2022 के अकॉर्डिंग। आप इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कहां आपको काम करना होगा वो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि साउथ में आता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो जॉब है ये फिक्स्ड टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी जो आप डिटेल्स देख पा रहे हैं ये वो वैकेंसीज हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आगे बात करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं 5 पोजीशंस के रिगार्डिंग बात करूंगा। यहां एक बात ध्यान देने की है कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, आप जो एप्लीकेशन इनिशिएट करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैकेंसी नंबर 1 जो कि है यूटिलिटी एजेंट की। दोस्तों यूटिलिटी एजेंट या फिर रैंप ड्राइवर की ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग हम बात करें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की तो आप SSC या 10th पास होने चाहिए। यू मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जब आप आएंगे टेस्ट के लिए, यानी कि अप्लाई करने के बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है और आपके पास एक आती है कंफर्मेशन मेल की आई इंटरव्यू के लिए उस वक्त आपको ये लेकर जाना होगा। पर्टिकुलर इस वैकेंसी के लिए जो अपर एज लिमिट है जनरल के लिए 28, OBC 31 एंड SC ST के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी 19,350 यानी 19,350 रुपए पर महीने। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका नॉलेज टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसमें कि आपको HMB के रिगार्डिंग टेस्ट किया जाएगा। अगर आप इन सारे टेस्ट में पास होंगे तब आपको भेजा जाएगा स्क्रीनिंग वाले टेस्ट में जो कि उसी दिन या फिर अगले दिन हो सकता है। यह एक बात ध्यान देने की है कि इस टेस्ट में आने के लिए रहने के लिए जो भी खर्चे होंगे उसका अरेंजमेंट आपको खुद से करना पड़ता है। और अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 जो कि है रैंप सर्विस एजेंट की। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर ITI with NCTVT total 3 years in motor vehicle, auto electrical या फिर air conditioning, diesel mechanic, bench fitter, welder इनके रिगार्डिंग आपको होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो है आपको डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट आपको होना चाहिए। 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केस ऑफ welder। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि आफ्टर पासिंग SST इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद हिंदी इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज एज एन सब्जेक्ट। इसके अलावा यानी कि जो मैंने आपको बताया उसके अलावा आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि आपको कैरी करना है एट द टाइम ऑफ टेस्ट। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आपको एडिशनल प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट जनरल के लिए 28, OBC 31, SC ST के लिए 33 ईयर्स होगा। और अब फाइनली बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सैलरी यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों 21,300 यानी 21,300 आपको पर मंथ मिलेगी। और फाइनली आते हैं इन दो वैकेंसीज के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि आपका टेस्ट होगा, नॉलेज टेस्ट होगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और जो भी आपके पास हैवी लाइसेंस होगा उसके बेसिस पे आपको चेक करके फाइनली आपका जो स्क्रीनिंग होगा जो कि सेम डे या फिर अगले दिन भी हो सकता है। मैं फिर यहां बताना चाहूंगा
आने जाने और रहने का खर्चा आपको खुद से उठाना होगा। अब आते हैं वैकेंसी नंबर 3 जो कि है जूनियर कस्टमर एजेंट की। इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए अंडर 10+2 पैटर्न, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फेयर्स, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटर, पैकेजिंग या फिर इस तरह के किसी भी पार्ट में, किसी भी सिस्टम में। अपर एज लिमिट आपकी जनरल के लिए 28, ओबीसी 31, एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स की होगी। सैलरी जो आपको मिलेगी पर मंथ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो 19,350 यानी कि 19,350 रुपए। और अब बात करते हैं लास्ट वैकेंसी नंबर 4 की जो कि है कस्टमर एजेंट की। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 10+2+3 पैटर्न में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इस वैकेंसी के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जो भी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छी तरह से समझिए। या फिर अगर ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पास आता है और वो है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फेयर्स, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटर, पैसेंजर या फिर कार्गो हैंडलिंग में। अपर जो एज लिमिट है जनरल के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी 31 ईयर्स एंड एससी एसटी 33 ईयर्स की। सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करें इन दोनों वैकेंसीज के बारे में तो सबसे पहले जो होगा वो है आपको पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन इंट्रोड्यूस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और फाइनली एक बात वही आती है कि आपको सारा खर्चा खुद से उठाना होगा, एयर इंडिया किसी पार्ट में भी आपको हेल्प नहीं करेगी। एंड एट द लास्ट अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने एप्लीकेशन फॉर्मेट अटैच कर रखा है उसे फिलअप करके और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा लेटेस्ट बाय 1 मार्च 2022 तक, और ये भेजना है आपको अभी जो ईमेल आईडी आप देख पा रहे हैं। इस सब्जेक्ट लाइन जो ईमेल आईडी का होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी आपका पोस्ट है AIASL, यहां पर आपको लिखना जरूरी है। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो मेल के थ्रू आपको ये सारा डिटेल भेज दिया जाएगा कि हाँ आपको कहां पे आना है, किस तरह से आना है। एक बार ध्यान देने की है एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इस एप्लीकेशन के लिए एक फी लगती है जो कि है नॉन रिफंडेबल 500 का डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई, और अगर आप एससी एसटी या फिर एक सर्विसमैन से हैं तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो डिमांड ड्राफ्ट है उस पे आप अपना नेम एंड मोबाइल नंबर जरूर लिखें। एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कोई भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भी होगा वो कॉपी होगा, और जो भी आप क्लेम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, मान लीजिए आप एज के लिए बोल रहे हैं रिलैक्सेशन या फिर कुछ और के लिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डिटेल्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो कि आपको साथ में अटैच करके भेजना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे मुझे मैसेज कीजिए। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर से बता रहा हूं ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं मैं कल बहुत जल्द। स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी जानना पूछना समझना होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।